डी सड़क को काटकर रास्ता बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा अरौली के भूतपूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान द्वारा सड़क को काटा गया है, जिससे राहगीरों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ चोटें खाता रहता है और यहाँ इस गड्ढे में दुर्घटना होती रहती है। ये मार्ग सीधा प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ता है, जो सड़क बैजपुर से चंडीप जाने में बहुत आसान है। अब बात होता है, अगर ये 8 फीट का इतना बड़ा गड्ढा पार करना है तो आपको कम से कम 3 से 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। हम यही के राहगीरों से बातचीत करेंगे, आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। भैया आप यहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या समस्या होती है? समस्या है ना, ये रास्ता बहुत खराब है, तोड़ फोड़ कर दिए है इसमें। किसने तोड़वाया आपको पता है कुछ? ये तो मालूम नहीं, मैं इधर रहता नहीं हूँ। कहाँ से आया रहना था? आपका आना जाना इसी रास्ते से रहता? हाँ, आना जाना कभी कभी रहता। भाई कहाँ पे रहते हो भाई? लालगंज। दिन में कितनी बार आते हो भाई? 3-4 बार आ जाते। क्या दिक्कतें होती है यहाँ पे भाई? बहुत दिक्कत होती है, 2 बार गिरे हैं इस गड्ढे में भाई। ये गड्ढा है, इसी में गिर पड़ते हैं, आते हैं, विकलांग भी है। बुधनी बाजार जो खमरिया से PWD सड़क है जो सीधा प्रधानमंत्री में मिलता है, ये प्रधानमंत्री बैजपुर से लेकर और चंद्रदीप बाजार तक जाता है जो प्रधानमंत्री बना है। और ये PWD जो सड़क है इस पर आप देख रहे हैं बीच रास्ते में ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा है, गड्ढा किसने करवाया, क्यों करवाया? मान लीजिए बरसात था, पहले हो गया गड्ढा, उसके बाद जब पानी ख़त्म हो गया तो भी ये गड्ढा पड़ना भी चाहिए जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है, मैं खमरिया ग्राम सभा का प्रधान पद प्रत्याशी हूँ। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, जो गड्ढा है, पहली बार तो ये अवैध रूप से खनन किया गया है इसका, या फिर हमारे बगल के गांव के कुछ पूर्व प्रधान और जो अभी प्रेजेंट के प्रधान लोग हैं, उन्होंने अपनी दबंगई से इस गड्ढे को खुदवा दिया, ठीक है। और ये हमारी ग्राम सभा में आता है, इससे आने जाने से आप देख रहे हैं ये 8 फीट का गड्ढा हो गया है। जब तक पानी था भर रहा था, हमें समझ में आ रहा था कि भाई परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये हाल है कि अभी रात में कोई व्यक्ति आए तो वो दुर्घटना ग्रसित हो सकता है। इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इसको जल्द से जल्द भरवाया जाए और हम जहाँ तक हो सके अपने हक से इसको भरवाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये गड्ढा किसके कहने पर, किसके आदेश पर ये खोदा गया बीच रास्ते में? जी, अब नसीबुल प्रधान है हमारे अरौली और बित्तू प्रधान है नथवापुर, तो इन लोगों ने भाई प्रधान जी है, अभी भूतपूर्व प्रधान है वो, जी जी भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, तो अब वो अपनी राजनीति बनाने के लिए इसको जनता के बिना जनता के परमिशन उन्होंने खुदवा दिया। अब आप देख सकते हैं अभी हम लोग के आंखों के सामने एक दुर्घटना हुई है, अब बताइए इसका उत्तरदायी कौन होगा? वही होंगे अब, लेकिन हम अभी अपनी कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से इसको भरवाया जाए और जो भी कार्य हो सकता है इसके लिए हम जरूर करेंगे, जल्द से जल्द, और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए भी प्रयत्न करेंगे जी। ऐसा जी। ये गड्ढा जो तमाम गाँव को जोड़ता है, ये गड्ढा जो है, ये जो PWD रास्ता है, ये अलाउद्दीनपुर और मछवा खास और ये बजरिया सोतिया, अब ये सीधा रामपुर तक या चरणदीप बाजार तक सीधा सीधा ये जो रास्ता है ये जोड़ता है। और बताइए कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका घर कहाँ है? ये हमारा घर जो है परानपुर में है। यही परानपुर? हाँ जी, हमारा बगल में परानपुर में है जी। और ये गड्ढा जो है कम से कम 3 महीने हो चुका है इस गड्ढे और ये गड्ढा इसलिए किया गया था, मतलब यहाँ आस पास में जो पानी भर गया था तो फसल को नुकसान हो रहा था, गाँव वालों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब पानी सूख चुका है। अब ये होना चाहिए कि इस गड्ढे को जैसे खोदा गया था वैसे भर दिया जाए, और आने जाने में यहाँ पे कम से कम 5-7 गांव 10 गांव जो आते हैं वहाँ पे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। जैसे कि 4-व्हीलर से कोई रात में आता है, यहाँ लाइट की सुविधा भी नहीं है, डायरेक्ट आता है, आदमी गिर भी सकता है और गिरने से हो सकता है उसकी दुर्घटना में मौत भी हो रही है। एक लोग गिरे, ऐसे कई लोग गिरते रहते हैं भैया, हम आस पास यहाँ के लोग हैं, हमें पता है कितने लोग गिरे यहाँ पे, लेकिन कंप्लेन किससे करें? बित्तू प्रधान है भूतपूर्व, नसीबुल प्रधान जो वर्तमान में है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, गड्ढा खोद के चले गए,
तो गड्ढा जो गड्ढा खोदे हैं उन्हीं को गड्ढा पटवाना भी चाहिए, उनको गड्ढा पटवाना भी चाहिए, यही चीज होना चाहिए, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं? गड्ढा भरा जाए, हम यही चाहते हैं, और क्या, इसको जैसे था वैसे किया जाए, लोगों को परेशानी आगे से ना हो। ऐसे में यहाँ के जितने लोग हैं उनको आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखते रहिए आप तेजस तक।